सो आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक अमेजिंग और औसम सी वीडियो। और आज की वीडियो भी बहुत कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में है टफर टाइम जब बेन की एज कम हो गई थी, और यही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे तो आपने जब बेंटन की सीरीज देखी होगी तो आपको पता भी होगा कि कब कब बेन की एज कम हुई है, और आपको मैं इसमें बता दूंगा और आपको लिस्ट पता भी चल जाएगी। अब तक आपको लिस्ट पता लग गई भी होगी क्योंकि आप हो इतने इंटेलिजेंट। देखो वीडियो तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, उससे पहले आप एक काम कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर अभी फॉलो कर लो, इंस्टा आईडी तुम्हारे सामने आ रही है, तो जाओ और अभी फॉलो कर लो, यही तो पता चलेगा आपको। और हाँ एक काम और कर देना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नंबर 4, बॉडी रिप्लेसमेंट। आपने बेंटन की सीरीज में प्रोफेसर पैराडॉक्स और इओन को तो देखा होगा, जिनके पास टाइमिंग की पावर है। वह टाइमिंग की पावर को अच्छे से यूज करते हैं, वो हर तरह से टाइमिंग की पावर यूज करते हैं, जैसे टाइम में आगे जाना, पीछे जाना, या फिर अपने ही जैसे हर टाइम में हर सेकेंड में रखना। मतलब कि जैसे वो इस टाइम में भी है, 2 मिनट बाद भी वो वहीं खड़ा, और 2 मिनट पहले भी वही है। मतलब कि हर तरह से टाइम का यूज करना, और ऐसी उन्होंने एक बार करा भी था। योन ने बेन की एज तो कम नहीं करी थी, लेकिन उसकी बॉडी रिप्लेसमेंट कर दी थी। जो 11 साल का बेन था उसकी बॉडी रिप्लेसमेंट कर दी थी 16 साल के बेन से। मतलब कि जो 16 साल का बेन था वो 10 साल का बेन बन गया, और जो 10 साल का बेन था वो 16 साल का बेन बन गया। लेकिन योन का इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों बेन्स थे, दोनों के पास ओमनीट्रिक्स है। अब जब दोनों ओमनीट्रिक्स यूजर है तो योन क्या कर लेगा? योन को तो वैसे भी बेन ने कितनी बार हराया, चाहे वो 10 साल का हो या 16 साल का। फिर जब दोनों ही ओमनीट्रिक्स के यूजर है तो बेन ने अपना ओमनीट्रिक्स यूज करा और इओन को हरा दिया। हराने के बाद जब जो 16 साल का बेन जो 11 साल का था वो 16 साल का बन गया, और जो 11 साल का था वो 11 साल का बन गया। यहाँ पर बेन की एज डायरेक्टली तो कम नहीं हुई थी, लेकिन उसकी एज इनडायरेक्टली कम तो हो गई थी। और आपको क्या लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नंबर 3, नैनी डिग्रीज बेन ग्वेन एज। ये वाला एपिसोड तो आपने बेंटन रिबूट का जरूर देखा होगा, और अगर आप बेंटन रिबूट के फैन है, इस वाले एपिसोड में क्या होता है, जो नैनी होती है वो हर किसी की एज कम करने लगती है, जो 2 या 3 महीने होती है। लेकिन उसने बेन और ग्वेन पे भी अपना जादू उपयोग करा, लेकिन उसकी एज कम से कम बहुत कम तो नहीं हुई, पर इतनी हो गई थी कि वह अपना ओमनीट्रिक्स आसानी से यूज़ कर सके। और उसने अपने ओमनीट्रिक्स का यूज़ करा और वहाँ पे नैनी को हरा दिया। लेकिन यहाँ पे हमें बताया तो नहीं गया कि बेंटन रिबूट में बेन की एज कितनी थी जब छोटा हो गया था, लेकिन देखा जाए तो ये 2 या 3 साल का ही लग रहा है। पर 2 या 3 साल का इतना समझदार नहीं होगा, लेकिन 4 साल तक तो हम मान सकते हैं, क्योंकि उसने अपने ओमनीट्रिक्स का अच्छा सा यूज़ करा था। फिर अच्छे से यूज़ करने के बाद उसने नैनी को डिफीट कर दिया और वो वापस से पहले की तरह ठीक हो गए। नंबर 2, बिलीव डिग्रीज बेन और रुक एज। आपने बेंटन ओमनीवर्स का एक एपिसोड तो देखा होगा जिसमें बेन की एज कम हो जाती है, जिसे विली करता है, जिसका पूरा नाम है विली विलियन। और ये बेन की एज इसलिए कम करना चाहता था क्योंकि इसकी एज बेन के कारण कम हुई है, और उसने इतनी स्टोरी भी बताई थी। जब इसने स्टोरी बताई उसके बाद बेन को तो हंसी आई, मुझे और आपको भी जरूर आएगी, एक बार देखो तो सही। रुको, यानी मुझे मारने के बजाय तुम खुद डायमेंशन 12 में खींच लिए गए थे। लेकिन बेन बाद में अपनी एज में वापस आ गया था। लेकिन जब बेन की एज कम हुई तो बेन बहुत परेशान भी हुआ था। और बिली विलियन हमें बेंटन ओमनीवर्स में तो दिखाया गया, बेंटन रिबूट में भी दिखाया गया था, क्योंकि ये बहुत फेमस हो गया था। लेकिन उसने जब बेन को परेशान करा, और जब बेन परेशान हुआ वो भी बहुत मजेदार था। नंबर वन पर है फाउंटेन ऑफ यूथ। आपने बेंटन क्लासिक का एपिसोड डोंट ड्रिंक दी वाटर तो देखा होगा, जिसमें बेन या ग्रैंडपा मैक्स उस पानी से टच होने के बाद उनकी एज कम हो जाती है। और ये इसलिए कम होती है क्योंकि इनके ऊपर पानी लगता है जिसका नाम है फाउंटेन ऑफ यूथ। वो पानी मतलब कि लोगों को अमर बना देता है, ऐसा पानी है, क्योंकि एज तो कम कर ही देता है। वहाँ पे बेन की भी एज कम हो गई थी, वो हो गई थी 4.5 साल, और बेन की तो एज कम हुई, साथ में उसके एलियंस की भी एज कम हो गई थी, जिसमें कि हमने सारे एलियंस को देखा भी था जो उसने यूज करे थे। लेकिन फिर बाद में बेन ने अपने हीट ब्लास्ट से उस फाउंटेन और यूथ को तबाह कर दिया बिल्कुल बुरी तरीके से, जिसमें उसका एक बूंद पानी भी नहीं बचाता। फिर उसके बाद बेन और ग्रैंडपा मैक्स पहले की तरह हो गए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो तो जरूर पसंद आई होगी क्योंकि वीडियो तो इतनी औसम थी जो मैंने जो बनाई है। वैसे आपने वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि जैसे तुम कमेंट करोगे तभी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, वो भी नए टॉपिक पर, क्योंकि आप टॉपिक बताओ मैं आपके सामने वीडियो ले आऊंगा।
अब तक तो तुमने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और इंस्टाग्राम पे भी जाकर फॉलो कर लिया होगा। लेकिन चलो अब मैं कह देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।